बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. थैंक यू. और आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी, किस तरीके का किरदार प्ले कर रही है फिल्म के अंदर, इसके बारे में थोड़ा. तो जो मेरा कैरेक्टर है, शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ताकि वो स्टोरी फॉरवर्ड मूव करे. एंड वो उसमें यू नो ये ड्यूअलिटी है कि वो स्ट्रांग भी है, वीक भी है, कंफ्यूज भी है, लेकिन उसको पता है उसको अल्टीमेटली क्या चाहिए. तो वो कहती तो है कि वो विडो है, लेकिन अगर वो एक्चुअली है नहीं है हमको पता नहीं. सो वी ओनली फाइंड दैट आउट एज द फिल्म मूव्स अलॉन्ग. एंड आई थिंक जो सारे कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली जो कैरेक्टर्स हैं तो ट्रेलर आपको बता देता है, लेकिन सबका क्या मोटिव है और उनको क्या चाहिए और वो ये सब क्यों कर रहे हैं, दैट बिकॉज सस्पेंस है, थ्रिल है, वो जैसे जैसे यू वॉच द फिल्म इट पूरा अनफोल्ड होता है. ट्रेलर में जो आपका लुक दिखाया गया है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो किस तरीके से प्रिपरेशन की इस कैरेक्टर को निभाएंगे? आई थिंक पीरियड मूवी है तो इसलिए यू नो उनका अलग बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो पेस था लाइफ का वो भी थोड़ा धीरे था यू नो. तो प्रेपरेशन वही थी कि आप मैंने पुरानी मूवीज मैंने एक्चुअली काफ़ी देखी हैं, तो बस वो ही इम्बाइब करने की कोशिश की. लैंग्वेज ऑफ कोर्स, क्योंकि वो डायलेक्ट बुंदेलखंडी का है तो उसकी तो बहुत ही मुझे मैंने क्लासेस ली. इसके अलावा नवदीप सिंह के साथ उनको एक्चुअली वो आई मीन ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग बिकॉज वो हिस्ट्री स्टूडेंट है, हिस्ट्री बफ है, उन्होंने इतना रिसर्च किया था कि कुछ ही हमको सब कुछ पता था, लाइक देयर वाज नो कंफ्यूजन, ही वाज वी वर सो वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ हिम. जैसे कि फिल्म में सैफ अली खान के साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा भी है और आप भी हैं, तो शूट के दौरान कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो और आप कभी नहीं भूलेंगे उस चीज़ को, कुछ ऐसा? ये पूरी फिल्म यू नो ऐसे था कि हम लोग एक बहुत ही बड़ी एडवेंचर पे थे, क्योंकि इस फिल्म की आई थिंक पूरी शूटिंग आउटडोर्स में हुई एंड बहुत टफ कंडीशंस में हुई, यू नो बहुत ही ठंड थी, फिर बहुत ही गर्मी थी. एंड सब लोग आई थिंक उनकी जो सभी की जो पर्सनैलिटीज थी, हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से यू नो जेल किया हमने. एंड इट वॉज रियली नाइस बिकॉज आई थिंक फिल्म आई मीन ऑन सेट तो एवरीबडी गेट्स अलॉन्ग विद ईच अदर एंड यू ट्राई एंड एटलीस्ट मेक फ्रेंड्स, बट वेरी फ्यू टाइम्स यू एक्चुअली जस्ट अडोर ईच अदर सो मच. दैट वाज फन, दैट वाज फन. मेरी हाँ तो शुरू में हो गई थी बिकॉज मैंने मुकेश छाबरा ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया एंड मैंने प्रॉपर लाइक 2-3 महीने ऑडिशन किया इस फिल्म के लिए. तो एंड मुझे फिल्म के बारे में एक्चुअली कुछ पता नहीं था, मुझे सिर्फ पता था कि नवदीप सिंह बना रहे हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो आई रियली वॉन्टेड टू वर्क विथ हिम. तो देन धीरे धीरे जैसे यू नो ऑडिशन के स्टेजेस क्रॉस हुए, मुझे थोड़ी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन यू नो वो देते थे, तो इट वॉज जस्ट वन यू नो अमेजिंग थिंग आफ्टर अनदर. क्या चैलेंजिंग रहे इस प्रोजेक्ट में ना, द वेदर कंडीशंस वर सो डाइवर्स. हम लोगों ने जब जनवरी में शूटिंग शुरू की तो बहुत ठंड थी राजस्थान में, एंड जब हम लोग आई थिंक मार्च अप्रैल तक पहुँचे, हम लोग रामथरा में शूट कर रहे थे एंड वो प्लेटू है तो वहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स ओनली स्टोन, एंड वो स्टोन जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, तो यू कॉन्ट पुट योर फुट ऑन इट बिकॉज इट जस्ट बर्न्स. एंड जो यू नो लॉन्ग शॉट्स थे उसके लिए तो यू नो क्लोजअप्स के लिए यू कैन चीट इट, बट इन द लॉन्ग शॉट्स यू कॉन्ट. तो यू नो वो चीज़ें जस्ट टू नॉट लेट द वेदर कंडीशंस, टू नॉट लेट यू नो जो चीज़ें आपको अनकम्फर्टेबल बनाती हैं, to not let that affect your performance. That was difficult. And of course, horse riding. वो तो मेरे लिए मुश्किल थी क्योंकि I mean I know horse riding, but जो मेरा घोड़ा था वो he was the youngest and he was the only thoroughbred. He just wanted to play all the time. And whenever you know some other horse would go, he would just want to run after that horse. And yeah, it became very difficult to like make him work. फिल्म रिलीज के प्रकार पे हैं, are you nervous? I am nervous. I'm definitely nervous. I'm also very excited and looking forward to it because humne to bahut hi pyar se banayi hai picture, but you never know how it'll be released, you know. You hope for the best. You hope that, you know, aapki jo expectations hai film usse bhi zyada, you know, behtar kare, but you never know. Saif ke sath kaam karne ka experience kaisa raha? Aur wo to jio first day, you know, the pehla din tha you and Saif together. I think aapne sabse pehle kiya hoga. हम लोग शूट से पहले एक्चुअली हम लोग सब मिल गए थे, सब लोग सब एक दूसरे को जानते थे. आई थिंक मानव व्हेन ही जॉइंड अस ऑन सेट
लेटर बट उससे पहले हम लोग वर्कशॉप्स की हमने एंड यू नो जो भी प्री कंसीव जैसे नोशन थे कि यू नो दिल बी लाइक दिस दिल बी लाइक दैट आई एम द ओनली न्यू कमर द सेकेंड वी स्टार्टेड दैट ऑल वेंट आउट ऑफ द विंडो बिकॉज इवन जो डायरेक्टर होते हैं ही सच एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक श्योर कि एवरीबडी यू नो गेट्स अलॉन्ग एंड ही वॉज सो ग्रेशियस सैफ यू नो इन स्पाइट ऑफ बींग हू ही इज ही वो बहुत एंथुजियास्टिक है एंड ही वर्क्स वेरी हार्ड एंड ही you know he's also doing so many different kinds of roles and so many movies actually that he wants to just do better and better and you know when you see that kind of dedication you're like wow you know and him being quite down to earth he's very down to earth actually but he's really funny and really fun लाल कप्तान से कितने देखिए हर आर्टिस्ट को उम्मीदें होती हैं कोई भी फिल्म करे ये सारे मुक्काबाज के बाद लाल कप्तान और वो भी एक बड़ी जहां पे सैफ सोनाक्षी आप एक फिल्म का हिस्सा इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसे रहे इंस्टेड ऑफ सेइंग हिस्सा कितना इंपॉर्टेंट होता है एक फिल्म जो आपने पहली पहली फिल्म की कामयाब की और उसके बाद उसी फिल्म का आना कितना अहम हो जाता है इंस्पिरेशन ज्यादा होती है जी बिल्कुल आई थिंक मुक्काबाज में तो मेरे एज इन वर्बल डायलॉग्स नहीं थे इस पिक्चर में एक्चुअली पहली बार मेरी जैसे लोगों को मेरी आवाज़ सुनने को आएगी तो एक्सपेक्टेशंस आई थिंक मेरी ही बहुत हैं तो दूसरों के तो और ज़्यादा होंगे यू नो एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये फिल्म अच्छा करे एंड यू नो पीपल लाइक माई परफॉर्मेंस एंड पीपल लाइक मी बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड मेरे पास कोई ऐसे फॉल बैक ऑप्शन है नहीं तो काम से ही काम आएगा so that's my attempt that whatever I do logon ko pasand hai they like me they give me more work I do get to have more experiences so it's really I mean it's probably the most important thing for me that people accept my work and like it kya message dena chahiye audience se why they come and be a part of Laal Kaptaan this is the most cliched thing ever everybody says sab aake kehte hain ki ye picture bahut alag hai bahut nayi hai aapne pehle kabhi nahi dekha hai बट ये एक हिस्टोरिकल पिक्चर है ये लगती बहुत इंटेंस और सीरियस है पर ये है नहीं उतनी भी इंटेंस बहुत ही अच्छी मिक्स है सस्पेंस है थ्रिलर है बट इट्स वेरी इंगेजिंग एंड जो भी आपको अभी ट्रेलर लॉन्च के बाद ये पूरी मिस्ट्री दिखाई देती है जैसे ही पिक्चर शुरू होती है स्लोली स्लोली सब कुछ रिवील हो जाता है एज द फिल्म गोज अलॉन्ग एंड आई रियली थिंक यू विल हैव अ वेरी इंगेजिंग एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस Yeah.